जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। नमो एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कौन से भगवान अल्टीमेट गॉड है। देखिए, ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ जो कि हर बार इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि सबसे बड़े भगवान कौन है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, यही सवाल करते हैं कि कौन है आखिर में भगवान। क्योंकि अगर आप शिव महापुराण का अध्ययन करोगे तो वहाँ शिव जी अल्टीमेट गॉड नज़र आएंगे। विष्णु पुराण पढ़ने वालों के लिए नारायण भगवान बन जाएंगे। श्रीदेवी भगवत महापुराण पढ़ने वालों के लिए माता भगवती शक्ति अल्टीमेट गॉड बन जाएंगी। गणेश अथर्व शीर्षम का अध्ययन करने वालों के लिए महागणपति अल्टीमेट गॉड बन जाएंगे। भगवत गीता का अध्ययन करने वालों के लिए भगवान श्री कृष्ण अल्टीमेट गॉड बन जाएंगे। तो हम ये सभी चीज़ें देख सकते हैं और इसमें आम आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है कि कौन से भगवान रियल में भगवान है। और ये कन्फ्यूजन का कारण है गुरु शिष्य परंपरा हट जाना। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, पुराने समय में, वैदिक परंपरा के समय में क्या होता था, सभी मनुष्य गुरु के अंडर जाते थे, गुरु के आश्रम में रहते थे और गुरु हर इंडिविजुअल व्यक्ति को एक पर्सनलाइज साधना अपॉइंट करते थे कि आपको यही साधना करनी है, यही लाइफस्टाइल का आचरण रखना है। और ये पर्सनलाइज इसलिए होता है कि सभी मनुष्य अलग प्रकार के होते हैं और साधना इसीलिए दी जाती है गुरु द्वारा ताकि उनका बॉडी और माइंड प्योर हो सके। और जब एक साधक पूरी तरीके से बॉडी और माइंड प्योरिफिकेशन कम्प्लीट कर जाता है तो गुरु उस व्यक्ति के लिए सबसे पहला काम करते हैं वो है कि इष्ट देवता के दर्शन करवाते हैं। तो इसकी एक पूरी तरीके से प्रक्रिया है जो गुरु फॉलो करते हैं और व्यक्ति को उनके इष्ट देवता से मिलाने की कोशिश करते हैं। तो प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि व्यक्ति केवल अपने इष्ट देवता का आह्वान करेगा और वो व्यक्ति स्पेसिफिकली गणेश जी को नहीं बुलाएगा, कृष्ण भगवान को नहीं बुलाएगा, वो केवल अपने इष्ट देवता का आह्वान करेगा और वो इष्ट देवता उस रूप में उस व्यक्ति को खुद दर्शन देते हैं। कंडीशन याद रखिएगा, प्योरिफिकेशन के बाद दर्शन मिलता है। अब जिस व्यक्ति को अपने इष्ट देवता के दर्शन हो गए उसके लिए ये रास्ता क्लियर हो चुका है कि उसका धर्म क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस जीवन में। तो ये जो मैंने बताया ये एक नेचुरल प्रोसेस था जो कि वैदिक परंपरा में फॉलो किया जाता था और इस चीज़ को जैमिनी ऋषि ने और आसान कर दिया कुंडली के माध्यम से। तो अभी हम सभी जानते हैं कि काराकांश लग्न में जो भी 12वें घर में ग्रह हो वो व्यक्ति के इष्ट देवता बन जाते हैं। मतलब कि आत्मकारक जिस राशि में नवमांश में है उसको लग्न बना के उससे 12वें में जाइए, 12वें घर में कोई भी ग्रह हो वही इस व्यक्ति के इष्ट देवता होते हैं। अब जैमिनी ऋषि जी ने ये भी कन्फर्म किया है कि ज़रूरी नहीं है कि भगवान हमेशा किसी ना किसी रूप में दर्शन दे, वो निराकार भी हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर काराकांश लग्न से 12वें घर में कोई ग्रह ना हो तो हो सकता है ये व्यक्ति फॉर्मलेस एनर्जी को भी प्रे कर सकता है और ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति उस राशि के स्वामी को प्रे करता होगा। तो समझ लेते हैं, एक व्यक्ति ने गुरु के निर्देश अनुसार सभी चीज़ों का पालन किया और अपने बुद्धि और मन की शुद्धि पूर्णता से कर ली। अब एक अच्छे समय में गुरु अपने शिष्य को एक प्रोटोकॉल के द्वारा अपने इष्ट देवता के दर्शन करवा रहे हैं। उसमें अगर इस व्यक्ति को इमेजिन कीजिए कि माता दुर्गा की दर्शन होते हैं तो इस व्यक्ति को आजीवन माता दुर्गा की उपासना करनी होगी। अब इष्ट देवता के कॉन्सेप्ट में ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप जितना खुद के इष्ट देव के लिए प्रे कर रहे हो इक्वली इम्पॉर्टेंट आपको दूसरे फॉर्म को भी देना है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान केवल एक है और उन्होंने फॉर्म लिए है अलग अलग कुछ रीज़न के कारण। वो अलग अलग अवतार में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं भगवान, अलग अलग चीज़ों को मैनेज करते हैं, काफ़ी अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से गाइड करते हैं। तो ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इष्ट देवता मिलने पर भी आपको ये बिलीव रखना है कि भगवान एक ही है, निराकार है और उन्होंने अलग अलग फॉर्म लिए है। और आप जितना अपने इष्ट देवता की रिस्पेक्ट करते हो उतना ही दूसरों के लिए भी रखोगे। अब बात आती है कि इष्ट देवता के दर्शन इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, इष्ट देवता इस मोह माया की जगत से आपको प्रोटेक्शन देते हैं और वो एक हायर लेवल के गुरु बन जाते हैं आपके लिए जो आपको ये बिलीव करा सकते हैं कि डिवाइन एनर्जी होती है। और इन सब के बाद आपकी जितनी भी इच्छा हो उन सभी को पूरा करने की ताकत होती है इष्ट देव के पास।
चलिए, एक व्यक्ति का बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, उसने अपने आप को प्योरीफाई भी कर लिया, इष्ट देवता भी जान लिया, उनकी आराधना भी कर ली, जीवन में सारे सुख भी प्राप्त कर लिए, अब आगे क्या? तो यहाँ स्टेप आता है सात्विकता की ओर बढ़ने का। अगर आपकी साधना स्ट्रांग है और आप अपने आप को मास्टर कर चुके हो, तो आप सत्वगुण में एंटर कर जाओगे और इष्ट देवता आपको ब्रह्म ज्ञान देंगे, और ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद आप भगवान के रहस्य को जान जाओगे, वही जो फॉर्मलेस है। और ये किस कारण होता है? आपकी आत्मा का कनेक्शन आपके इष्ट देवता के साथ होने के कारण होता है। ये आप ऐसा मान सकते हैं कि आखिरी पड़ाव है, मनुष्य इसी के लिए जन्म लेता है, ये जानने के लिए कि वो अल्टीमेट ब्लिस क्या है, वो सबसे बड़ा सुख क्या है आत्मा का, वो प्योरेस्ट और वो अजन्मा ताकत क्या है जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। और यहाँ तक आने के लिए कठोर तप लगता है, और आम जिंदगी में तो व्यक्ति खाली इसी चीज़ में कन्फ्यूज्ड है कि भगवान कौन है, इतने सारे रूप में इतने सारे भगवान क्यों है। वेदास में सीधी तरीके से बताया गया है, भगवान को आप अपनी इस बुद्धि से कभी नहीं समझ पाओगे। भगवान एक है और वो अजन्मा है, उनका कोई आकार नहीं है और वो पूरे ब्रह्मांड में स्थित है। अब इतनी बड़ी चीज़ को एक मनुष्य इतनी छोटी बुद्धि से कभी नहीं जान पाएगा। तो इस चीज़ को सिंपल बनाने के लिए ही प्रक्रिया बनाई गई है कि व्यक्ति पहले साधना करके अपने इष्ट परिचिति को जाने, उसके बाद आपकी आत्मा को जानना ज़रूरी है कि आत्मा रियल में करना क्या चाहती है, उसकी जर्नी क्या है, उसने क्या किया है, उसको क्या करना चाहिए। और मेरी सभी से दरख्वास्त रहती है कि आप ये चीज़ को समझिए कि शास्त्र में या इस धरती पे कोई भी चीज़ दी गई है तो वो कहीं ना कहीं हमारे वेलबींग के लिए है, उसकी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस ज़रूर है। और आप यहाँ अपनी बुद्धि को सीमित मत रखिए कि आप किसी फॉर्म को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं और किसी फॉर्म को ये अवॉइड कर रहे हैं। आपको ये एक्सेप्ट करना है कि फॉर्म सारे भगवान के अंदर से ही आए हैं। फॉर्म्स जो है वो अवतार है, वो किसी ना किसी रोल को कंप्लीट करने के लिए भगवान ने ले रखे हैं, और क्योंकि वो भगवान के अवतार है वो ही आपको भगवान तक मिला सकते हैं। और देखिए, शास्त्र भी कहते हैं भगवान जब क्रिएटर बनता है तो वो ब्रह्म के रूप में उत्पत्ति करता है, भगवान जब चीज़ों को संभालने पे आता है तो वो भगवान विष्णु के रूप में वो सब चीज़ों को संभालता है, और यही भगवान का रूप महेश्वर में कन्वर्ट हो जाता है जब वो डिस्ट्रक्शन पे उतर आए। तो ये तीनों रूप या ये तीनों गुण उसी एक भगवान के हैं। अब भी अगर आप समझ ना पा रहे हो तो आप अपने खुद के जीवन में देखिए, ज़रूर आप किसी के पुत्र होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के पिता हो सकते हैं, कुछ व्यक्ति माता हो सकते हैं। तो एक व्यक्ति के कितने रूप हो गए, आप खुद इमेजिन करके देखिए इसको। आप कहीं काम पे जा रहे हैं, आपके बॉस के साथ आपका सेम व्यवहार नहीं होगा जैसा आपका आपके पति या पत्नी के साथ व्यवहार होता है। घर में आप अपने स्पाउस को कितनी भी उटपटांग चीज़ें बोल दो, आप काम पे जाके बॉस के आगे कुछ नहीं बोलते, तो वो आपका एक रूप है बॉस के आगे जो है। सेम तरीके से आप किसी के पिता हो तो आप अपने बच्चे को डांट फटकार लगा सकते हैं, मगर आप जब किसी के पुत्र हो जाते हो तो क्या आप अपने पिताजी को डांट फटकार लगा सकते हैं? ये दो अलग रूप हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं तभी तो वैसा नहीं कहूँगा कि मैं केवल मेरे बच्चे का पिता हूँ, मैं दुनिया में और कुछ नहीं हूँ। ना तो मैं केवल ये कहूँगा कि मैं मेरे पिताजी का खाली पुत्र हूँ, मैं दुनिया में और कुछ नहीं हूँ। मैं मेरे मित्र के आगे भी जाऊँगा, वो मुझे एक मेरे अलग अवतार में देखते हैं, उनको भी उतनी चीज़ें पता है मेरे इस अवतार के बारे में जितना मैं उनको दिखा रहा हूँ। वैसे ही आप भगवान को देखने की कोशिश कीजिए ना, भगवान जिस रूप में आपको जिस अवतार में जितनी चीज़ें दिखा रहे हैं आप केवल उन्हें उसी रूप में देख पाओगे। और सभी अवतार किसी न किसी व्यक्ति को ज़रूर मदद करते हैं उनकी आत्मा की वृद्धि के लिए। तो ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं कंक्लूजन के साथ कि हमें अभी पता चल गया है कि क्यों इतने सारे अवतार हैं और कौन से भगवान अल्टीमेट भगवान हैं। इसमें कभी डिस्प्यूट मत कीजिए कि कौन से भगवान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि देखिए वेद खुद कह रहे हैं कि मनुष्य इस बुद्धि से भगवान को कभी नहीं समझ पाएगा। इसके लिए कठोर तप, साधना और बहुत जीवन के कीमती समय आपको यहाँ लगाने होते हैं, तब जाके आप ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकते हो। और देखिए, आप उस अवतार को खुद से पूछिए कि कौन से अवतार को आप फील कर पा रहे हो जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कौन से देवी देवता है जो आपके सेल्फ रियलाइजेशन में आपकी मदद करते हैं, आप किस देवी देवता की पूजा आराधना करते वक्त मग्न हो जाते हो। आप उस एक पर्टिकुलर अवतार की पूजा आराधना करना शुरू कीजिए और वो आपको गुरु समान गाइड करना शुरू कर देंगे। और अब भी किसी व्यक्ति को समझ नहीं आ रही है चीज़ें, तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, किसी एक चीज़ को पकड़ लीजिए,
जैसे कि आप भगवत गीता का अध्ययन करना शुरू कीजिए और तन मन धन से आप मान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण परम गुरु है आपके, और भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के स्वामी हैं और वो सही में हैं, सभी रूप उसी एक स्वामी के रूप है। और ये चीज़ ठान लेने के बाद आप दोबारा कभी कन्फ्यूजन में मत उतरिए, आप आगे बढ़ना शुरू कीजिए, आप अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की सारी चीज़ों को उतार लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने नमो एस्ट्रो चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सही समय से पहुँच सके। अलविदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।